ज्यादा फल मिलता है नदी के किनारे जाके कर। नदी के किनारे जाकर करने से जितना पुण्य मिलता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य मिलता है समुद्र के तट पर जाकर के करो, और समुद्र के तट पर करने से जितना पुण्य मिलता है उससे भी करोड़ गुना ज्यादा पुण्य मिलता है गौशाला में जाके करो। गौशाला में किया गया यज्ञ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हमने विचार किया कि महोदधि हैं, और यहां के महोदधि भी साधारण नहीं है, समुद्र देवता को महोदधि कहते हैं। यहां पर पंच नदियों का संगम हो रहा है समुद्र देवता से। ये हमारे यदुवंशी और भगवान श्री कृष्ण का प्रभास क्षेत्र है। यहीं से यदुवंशी और भगवान कृष्ण अपनी समस्त शक्तियों को विराजमान करके भगवत धाम को प्रस्थान किए थे। ये प्रभास क्षेत्र है सोमनाथ। तो यहां पर आज नवमी का दिन, और एक और बात बताएं, किसी भी तीर्थ में जाओ वहां के स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इसके बारे में तो अभी देखना, अभी आज भरत चरित्र में भी आएगा, राम जी ने किया, भगवान श्री कृष्ण करते थे, वनवास के समय राजा भी करते थे। किसी भी तीर्थ क्षेत्र गांव से निकलते तो वहां के ब्राह्मणों को बुला करके उनको आदर से उनसे कुछ पूजा करवाते और उनको कुछ देते थे। ये नियम होना चाहिए, किसी भी तीर्थ में जाओ वहां के स्थानीय ब्राह्मणों का उपकार करो। तो आज सुबह महोदधि के तट पर महादेव का रुद्राभिषेक हुआ, और रुद्राभिषेक कराने के लिए भी स्वयं सोमनाथ मंदिर के पुजारी और सब ब्राह्मण देवता पधारे। हमें तो लगा हमारे लाल जी के छोटे से शंकर जी हैं, हमारे छोटे से लाल जी उनके छोटे से शंकर जी मित्र हैं हमारे लाल जी के, तो हमारे लाल जी के शंकर जी का अभिषेक करने स्वयं सोमनाथ ही पधारे उनका अभिषेक कराने के लिए। और फिर वहीं पर हवन आदि इत्यादि भी हुए, ब्राह्मणों का सत्कार हुआ। यही नियम होना चाहिए तीर्थों में सुख समृद्धि का विचार नहीं करना चाहिए, तीर्थों में अति व्यवस्थाओं का विचार नहीं करना चाहिए। कई लोग अच्छा कमरा हो, अच्छा भोजन पानी मिले, अच्छा तो फिर तीर्थ में काहे को आए, हिल स्टेशन पे चले जाओ, टूरिस्ट प्लेसों पे चले जाओ यदि यही सब सुविधाएं देखनी है तो। तीर्थों में आकर के तो निद्रा को भी कम करो, भोजन भी कम करो, वजन भी कम करके जाओ, भजन बढ़ा के जाओ। तीर्थ में आकर के तो हम लोग पुण्य करने के लिए यहां पधारते हैं। तो बंधुओं आज पांचवा दिन है। दशकम धर्म लक्षणम केंद्र में लेकर के हम लोग श्री रामायण चर्चामृत का मंगल रस स्वादन पान कर रहे हैं। अब स्थिति यह हो गई, आज पांचवा दिन है और आस्था भजन के माध्यम से और भक्ति पथ यूट्यूब चैनल पर देखने वाले लोग अब डिमांड बढ़ रही है कि महाराज जी राम कथा ज्यादा सुनाओ। अब भागवत आदि तो हमारी लगी हुई है मार्च तक, लेकिन अब उसके बाद में राम कथा की बुकिंगें भी आने लग गई हैं कि अब राम कथा ही होगी। देखो श्री राम हमारे हृदय हैं और श्री कृष्ण हमारे प्राण हैं। प्राण और हृदय में कौन श्रेष्ठ है? दोनों ही श्रेष्ठ है। किसी एक के बिना भी जीवन जीना उचित नहीं, परंतु अब तक ये राम चर्चामृत का सौभाग्य मुझे पिछले 8 वर्षों में नहीं मिला था। 20 जुलाई को मुझे 8 वर्ष हो जाएंगे कथा करते हुए, लेकिन सोमनाथ भगवान की कृपा और इसमें भी अति विशिष्ट कृपा श्री काशी विश्वनाथ भगवान की है। क्योंकि मानस जो है ना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी तो टाइपराइटर थे, बाकी मानस में प्रकट हुए समस्त भाव हैं तो काशी विश्वनाथ भगवान के। ये विश्वनाथ जी ने ही रची है, महादेव का ही रचित ग्रंथ है मानस। गोस्वामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो महादेव की कृपा। गोस्वामी जी पहले तो संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन संस्कृत में लिख रहे थे हृदय को शांति नहीं मिली, तब महादेव स्वप्न में आए, बोले क्यों विद्वत्ता दिखा रहे हो? अरे साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में, जिसमें आपको मैं प्रेरणा दे रहा हूं वही, क्योंकि गोस्वामी जी आप नहीं लिख रहे हो इसको, मैं ही लिखवा रहा हूं। मन से रचना हुई मानस की, ऐसी रामचरित्र मानस। आपको पता है स्तुतियों में
सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्तुति किसकी है? 33 करोड़ देवता हैं, सबकी स्तुतियां हैं। वरुण की स्तुति, समुद्र की स्तुति, नदियों की स्तुति, वायु की स्तुति, चंद्र की स्तुति, सूर्य की स्तुति, सबकी स्तुतियां हैं। पर स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति किसकी मानी गई? महादेव की स्तुति। और उस महादेव की स्तुति में भी सर्वश्रेष्ठ महादेव की स्तुति है शिव महिम्न स्तोत्र। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं स्तोत्रम कश्चन तुष्टये। स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं। स्तुति का मतलब सामने वाले की प्रशंसा, और उन प्रशंसाओं में सबसे ज्यादा सिद्धि प्रदायक यदि कोई स्तुति है तो वो महादेव की है, और वो है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र की विशेषता बताई जाती है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव के पास कोई ना कोई दैवी शक्ति होती है। मेरे पास भी है, आपके पास भी, हम सबके पास। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई दैवी शक्ति ना हो, जिसके पास कोई गुरु प्रदत्त शक्ति ना हो, जिसके पास कोई वंश प्रदत्त शक्ति ना हो। हम सब शक्तियुक्त हैं, बस अज्ञानवश अपनी उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। हम अपनी उस छिपी हुई शक्ति को यदि प्रकट करना हो तो शिव महिम्न स्तोत्र का रोज पाठ करे। व्यक्ति की वो छिपी हुई जो उसके अंदर ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो प्रकट होता है शिव महिम्न स्तोत्र से। एक प्रकार से बीज तो है लेकिन जल नहीं डालोगे तो पौधा कैसे बनेगा, ऐसे ही हम सबके भीतर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और शक्ति रूपी बीज तो है। शिव महिम्न स्तोत्र रूपी जल डालो, एक दिन वो पौधा बन के प्रकट होगा। ऐसे शास्त्र की आज्ञा है। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध आती है कि क्या बता रहा था मैं, शिव महिम्न। हाँ, तो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। एक राजा था, थोड़ी शंकर जी की महिमा भी सुन ले, भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, शंकर जी कहेंगे हमारे क्षेत्र में आने, हमारी भी प्रशंसा कर दे। तो एक राजा था, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके मन में विचार आया कि मैं शंकर जी की नित्य उपासना करता हूं, बिल्वपत्र अर्पित करने के लिए बाहर से मंगाने पड़ते हैं। उसने एक बगीचा बनाया और पूरे बिल्वपत्र ही उसमें लगा दिए, पुष्प आदि सब वहीं प्रकट होते थे। राजा अपने ही बगीचे के बिल्वपत्र पुष्प आदि तोड़ करके स्वयं लेकर के जाता और महादेव को अर्पित करता था। उसी नगर में महादेव का एक दीन हिंसा भक्त भी रहता था। उसके मन में विचार आया कि भाई शंकर जी की उपासना हम भी करते हैं, बिल्वपत्र आदि की थोड़ी कभी कभी कहीं मिलते नहीं लेकिन राजा के बगीचे में रोज मिलते हैं, क्यों ना वहीं से ले लिया जाए। तो वो क्या करता, राजा के भी आने से पहले वो दीन हिंसा भक्त बगीचे में घुस जाता और सारे बिल्वपत्र पुष्प आदि सब इकट्ठे करके वो चढ़ाया जाता। राजा को बड़ा बुरा लगता, बगीचा मेरा, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा, चढ़ा कोई और देता है। तो उसने सैनिकों को तैनात कर दिया, बोले बगीचे की रखवाली करो, देखो कौन तोड़ता है। वो जो भक्त था दीन हिंसा, उसके पास में एक विद्या थी और वो विद्या ऐसी थी, ऐसी शक्ति थी कि वो अदृश्य हो जाता था। तो जैसे ही वो बिल्वपत्र आदि तोड़ने के लिए जाता और सैनिक उसको पकड़ने के लिए भागते, तुरंत वो अदृश्य हो जाता। सैनिक बड़े परेशान, बोले क्या करें। बोले राजा बड़ा डांटता है रोज कि भाई उसको पकड़ो, और उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो अदृश्य हो जाता है, क्या करें। पकड़ें तो पकड़ें कैसे, नहीं पकड़ें तो राजा हमको डांटते हैं। तब एक दिन राजा से जाकर के सब सैनिकों ने कहा, बोले महाराज ऐसा नहीं है कि हम उसके हितकारी, हम उसको पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो अदृश्य हो जाता है। तो राजा बोला अदृश्य हो जाता है,
तब राजा ने अपने गुरुदेव को जाकर के ये बात बताई, बोले कि एक व्यक्ति मेरे महादेव की उपासना में विघ्न डाल रहा है, सारे बिल्व पत्र पुष्पों को तोड़ करके ले जाता है, क्या करूं बताइए। गुरुदेव ने कहा कैसे उसको पकड़ा करो। बोले कि महाराज वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने की बात सुनकर के गुरुदेव समझ गए कि उसके पास में दैवी शक्ति है। तो गुरुदेव ने कहा उसकी दैवी शक्ति को नष्ट करना पड़ेगा। राजा ने कहा दैवी शक्ति कैसे नष्ट होगी। बोले कि भैया भगवान के ऊपर चढ़ी हुई निर्माल्य यदि चरणों में पड़ जाए तो कितनी भी बड़ी दैवी शक्ति हो वो नष्ट हो जाती है। जब इंद्र अपनी पदवी से भ्रष्ट हो सकता है, हम तो मानव हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में नियम है कि जैसे मंदिर में भगवान की चढ़ी हुई माला, पुष्प, तुलसी, बिल्व पत्र यदि मंदिर में आपके पैर के नीचे आ गए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर से बाहर यदि वो नीचे गिर गए और आपका चरण उस पर पड़ गया तो आपके भजन छिन्न हो जाएंगे, आपके पुण्य छीण हो जाएंगे, आपकी आपकी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। भगवत अर्पित होने के बाद में वो पुष्प वो पत्र नहीं है, वो साधारण नहीं है, उस समय वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। तो राजा को बता दिया, बोले कि आप एक काम कीजिए, अपने बगीचे में भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को फैला दीजिए। जैसे ही वो व्यक्ति आएगा निर्माल्य बिल्व पत्र पर उसका पैर पड़ेगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, पकड़ लोगे आप उसको। राजा ने यही किया, शंकर जी पर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को उठा करके ले गया और अपने समस्त बगीचे में उनको फैला दिया और सो गए रात्रि में। सुबह उठते ही महाराज जैसे ही वो व्यक्ति आया, अच्छा उसकी तो ऐसी हरकत हो गई थी कि वो पूरे सैनिकों को चुनौती देके प्रवेश करता था, आओ पकड़ के दिखाओ, क्योंकि पकड़ते वो अदृश्य हो जाता। आज सैनिक भी बोले अंदर घुस के तो दिखा तू, बोले कि मैं तो जाऊंगा जैसे हमेशा जाता हूं वैसे आज भी जाऊंगा, बोले आज जाके दिखा। उसको पता नहीं था कि वहां निर्माल्य बिल्व पत्र पड़े हैं, जैसे ही चरण रखा निर्माल्य पर पैर पड़ते ही उसकी शक्ति चली गई। वो तो अपना बिल्व पत्र तोड़ने लगा, बोले जब आएंगे तब अदृश्य हो जाऊंगा। जैसे ही सैनिकों ने जाकर के उसको पकड़ना चाहा, उसने अदृश्य होना चाहा, लेकिन अब वो अदृश्य नहीं हो पाया क्योंकि उसकी शक्ति नष्ट हो गई थी, निर्माल्य पर पैर रख दिया था। राजा को जाकर के खबर दी, पकड़ लिया महाराज, अब अदृश्य नहीं हो पा रहा, उसकी सिद्धि नष्ट हो गई है। राजा ने अपनी तलवार निकाली, बोले लाओ, बहुत दिनों से पकड़ने का प्रयास कर रहे थे इसको, आज पकड़ में आया, इसका सर धर से अलग तो करें हम। अब राजा तलवार निकाल के उसको मारने के लिए जा रहा था और वो व्यक्ति नेत्रों से अश्रुपात करते हुए महादेव को याद करता है, हे महादेव, माना कि मैंने चोरी की, लेकिन किसी रत्न की चोरी तो नहीं की, किसी व्यक्ति का भोजन तो हरण नहीं किया, किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने में दिक्कत आवे ऐसी वस्तु को चोरी कहा जाता है, उसको जीवन जीने में तो कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, केवल आपकी उपासना के लिए मैंने वहां से बिल्व पत्र पुष्प आदि चुराए थे, ये कोई दोष तो नहीं था। यदि भगवान ये मेरा दोष था तो मेरा सर कट जाए, लेकिन यदि ये मेरा दोष नहीं है तो कृपा कर आप मेरी रक्षा करो। और तब उसने राजा चलकर के आ रहा है महादेव का स्मरण करते हुए, महिम न पारम ते परम विदुषो यत् सदृशि स्तुते ब्रह्मादीना ममितदवसन्नत्स्वैगिर अथावाच्यः सर्व स्वमति परिणामवधिगृण ममाप्येशस्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। जैसे ही शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया और संपूर्ण शिव महिम्न स्तोत्र का गान करते हुए महादेव को स्मरण किया,
शिव महिम्न स्तोत्र जैसे ही पूर्ण हुआ, सामने आए राजा ने अपनी तलवार को उठा करके जैसे ही उसके सर को धड़ से अलग करना चाहा, उसकी जो सिद्धि थी अदृश्य होने की, जो निर्माल्य पर पैर रखने से जा चुकी थी, शिव महिम्न स्तोत्र के पूर्ण होते ही वो सिद्धि पुनर्प्रकट हो गई और वो अदृश्य हो गया। राजा नहीं मार पाया। राजा दौड़ करके अपने गुरु के पास गया, बोले गुरुजी पकड़ में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही मैं मारने गया वो कोई श्लोक गा रहा था, उन श्लोकों का जब गायन करके गुरुजी को सुनाया, बोले ये श्लोक उसने गाए और वो अदृश्य हो गया। तब गुरुदेव ने बताया ये शिव महिम्न स्तोत्र है, और शिव महिम्न स्तोत्र की ये ताकत है कि यदि किसी व्यक्ति की भक्ति छीण हो गई हो, पुण्य छीण हो गए हो, उसकी शक्ति छीण हो गई हो, उसके भाव, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पहले भाव बहुत अच्छे थे, अब हमारे भावों में धूमिलता आ रही है, पहले हमारी बुद्धि बहुत विवेक की थी, अब हम अविवेक जैसे हो गए, पहले हमारा क्रोध कम था, अब क्रोध बढ़ता जा रहा है, ये जो बदलाव नकारात्मक हमारे अंदर होते हैं, इन नकारात्मक बदलावों को नष्ट यदि करना चाहते हैं तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करो। महादेव चिकित्सा करते हैं भीतर प्रवेश करके और शुद्धि बनाते हैं, श्री राम के योग्य हमको बनाते हैं, ऐसे हैं महादेव। लेकिन मैंने बात कहां से शुरू करी थी कि स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति किसकी है? महादेव की। लेकिन वह महादेव भी स्मृति करते हैं, और जब पार्वती पूछती हैं कि आप किसका स्मरण कर रहे हो, तो वही महादेव पार्वती को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं, वही महादेव श्री पार्वती जी को राम रक्षा स्तोत्र सुनाते हैं। मतलब स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति महादेव की है, लेकिन उन महादेव के सदा चित्त में कौन बैठे हैं? हमारे माधव बैठे हैं, हमारे राघव बैठे हैं, हमारी किशोरी जी बैठी हैं। इसलिए अब निधान क्या निकला? शिव महिम्न स्तोत्र कठिन है, याद नहीं हो तो क्या करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव महिम्न स्तोत्र हो, दुनिया भर की स्तुतियां हो, सबका सार ये मंत्र ही है, इनका आश्रय। ऐसे हमारे राघव का स्मरण करते हैं महादेव। तो आइए अब आज के प्रसंग में चलें। 10 लक्षणों में आज पांचवा लक्षण आता है सहुचम। हम ज्यादा इस पर आज चर्चा थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि प्रसंग आज बड़ा है भरत चरित्र का। सहुचम यानी कि पवित्रता। अब श्री राम जी के संदर्भ में पवित्रता आप किस भाव से लोग? जिनका नाम ही पवित्र है, जिनका रूप ही पवित्र है, जिनका स्मरण ही पवित्र है। नाम रूप दर्शन तो बहुत दूर की बात है, याद कर लो राम जी को तो पवित्र हो जाओगे। जिनको याद करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता, उनकी पवित्रता का कहां तक बखान करें। लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी के मंगल पवित्रता का, पवित्रता की बात की जाए तो पवित्रता में आप किसको लेते हो? शारीरिक पवित्रता की मानसिक पवित्रता? हमारा आध्यात्म जो है वो शारीरिक स्थिति को ज्यादा केंद्र में नहीं लेता, मानसिक स्थिति को ज्यादा लेता है। कर्माबाई तो नहाती भी नहीं थी, बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही थी भगवान के लिए। पिताजी कह के गए, कर्मा हम तीर्थ यात्रा करके आए, तब तक गोपाल जी को भोग लगा के पाना। लेकिन ये नहीं कह के गए नहा धो के भोग लगाना। बिना नहाए धोए सुबह उठ करके कर्मा भाई झूठे मुंह झूठे हाथ खिचड़ी बनाती है, और उस खिचड़ी को खाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी आते हैं। इसका मतलब कि शारीरिक पवित्रता एक प्रकार से संसार को रिझाने के लिए है, महादेव को रिझाने के लिए नहीं, राम को रिझाने के लिए नहीं। ये जो हम चटकदार कपड़े पहनते हैं, बढ़िया तिलक लगाते हैं, दुनिया भर के कुर्ता पहन पहन के परफ्यूम लगा घूमते हैं, इससे थोड़ी रिझते होंगे राम जी। यदि सुंदर रूप होना, पौरुष होना, शरीर होना ही राम जी को रिझाता तो रावण कम नहीं था उसमें। छरेरा बदन रावण का, लोगों के एक मुख होते हैं उसके 10 मुख थे। लेकिन हमारे यहां एक श्लोक कहा जाता है, शरीरम स्वरूपम तथा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम त
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर है, सुंदर रूप है, सुंदर धन है, सुंदर पत्नी है, सुंदर सब कुछ है आपके पास, लेकिन मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, सब कुछ सुंदर है लेकिन मन राम जी के चरणों में नहीं लगा है तो वो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। रावण के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन मन नहीं लगा था राघव के चरणों में। और वहीं बानरों को देखो, ना रूप इतना सुंदर, ना शरीर इतना सुंदर, ना कोई संपत्ति, घर बार तो है नहीं, पेड़ों पे ही रहते बेचारे, कुछ भी सुंदर नहीं, लेकिन मन लगा हुआ है श्री राम जी के चरणों में, इसलिए उनका सब कुछ सुंदर लगता है। आज श्री हनुमंत लाल जी, जामवंत जी, सबको हम लोग पूछते हैं, उनके नाम सुनकर के दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, संसार का व्यक्ति उन सब वस्तुओं के पीछे भागता है जो सब रावण के पास था, ऐश्वर्य, संपत्ति, पौरुष, बुद्धिमानी, चतुराई, संसार का मानव इन सब चीजों के पीछे भागता है, लेकिन हनुमान जी जिसके पीछे भागे उसके पीछे कोई नहीं भागता, श्री राम उनके पीछे हनुमान जी भागे। इसलिए भैया ऐसा नहीं है कि कुछ मत पाओ, सब पाओ, सबके पीछे भागो, लेकिन राम जी को केंद्र में लेके भागो, राम जी को हृदय में धारण करो। तो पवित्रता से मतलब है मानसिक पवित्रता। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र यज्ञ होता है, सबसे पवित्र संस्कार होता है अंतिम संस्कार, और वह भी यदि पिता अपने पुत्र के हाथों अपना संस्कार कराता है तो उसकी बड़ी महिमाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। जब पुत्र पिता का संस्कार करता है तो पिता पुम नामक नरक में जाने से बच जाता है, लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए, पुत्र सुधरा हुआ होना चाहिए। यदि पुत्र ही कुपुत्र है तो प्रयास करना चाहिए कि किसी सत्पात्र से ही संस्कार हो, लेकिन आप सौभाग्य देखो उस जटायु का। महाराज दशरथ के यहां जन्म लेने के बाद भी राम जी से उनका संस्कार नहीं हुआ, लेकिन जटायु जो उनके कुल का नहीं, खानदान का नहीं, जाति का नहीं, वर्ण का नहीं, कहां तक कहोगे मानव नहीं था वो, एक पक्षी के कुल में जन्म लेने वाला वो जटायु, उसका संस्कार जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर श्री राम अपने हाथों से करते हैं। और केवल संस्कार नहीं किया, सब दशकात्र आदि जो भी नियम होना चाहिए एक पिता के संस्कार का, पिता तुल्य मान करके जटायु को वो सौभाग्य दिया जो सौभाग्य दशरथ को मिलना चाहिए था। कारण केवल एक, भक्ति को अज्ञान हरण करके ले जा रहा था, उस भक्ति को बचाने का प्रयास किया जटायु ने, अज्ञान से मुक्त करने का प्रयास किया जटायु ने, केवल भक्ति की रक्षार्थ प्राण गवाए, इसलिए राम जी ने उसका संस्कार किया। इससे ज्यादा पवित्रतम भाव श्री राम जी का मुझे कहीं नहीं दिखा। अभी आज भरत चरित्र में भी एक दो भाव ऐसे आएंगे कि आप पिघल जाओगे, कितने पवित्र हृदय वाले हैं हमारे राम जी। मुझे आज जब मैं इस विषय का विचिंतन कर रहा था तो मुझे जटायु को बार बार प्रणाम करने का मन कर रहा था, कितना बड़ा सौभाग्यशाली था जटायु, अपने हाथों से ठाकुर जी चिता लगा रहे हैं, अपने हाथों से ठाकुर जी उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बंधुओं, संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, सबसे बड़ा सत्य, क्योंकि मृत्यु के समय पर कितना भी बुरा आदमी हो सब उसकी प्रशंसा ही करते हैं, कितना भी दुष्ट हो चार लोग उसकी प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जटायु की प्रशंसा, जटायु के गुण, और अपने अपनी गोद में, राम जी की गोद में प्राण त्यागे जटायु ने, इससे ज्यादा पवित्रतम भाव और कहां देखोगे आप। राम जी हृदय के बड़े पवित्र हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मैंने अपने पिता का संस्कार नहीं किया, लेकिन जब मेरे हाथों में जटायु ने प्राण त्यागे तो मेरे मन में भाव आया, शायद मेरे पिता ही हूं, मैं इनका संस्कार करूंगा।
और एक पुत्र के भांति समस्त संस्कार जटायु के किए। अरे कहां तक कहें, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षण किया जटायु के संस्कार पर। श्री राम जी संस्कार कर रहे हैं। ऐसे पवन पवित्र परम पवित्र श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं, जिनका हृदय इतना निर्मल है, इतना पवित्र है। यही पवित्रता का दर्शन होता है कृष्णावतार में। यहां पर जटायु को पिता तुल्य मानते हैं राम जी, और वहां तो अद्भुत ही हो गया, द्वापर में कृष्ण पूतना को मां के रूप में देखते हैं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। देवताओं ने हट कर लिया, बोले आपने पूतना को सदगति क्यों दी, हमें ये बताओ। उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, गुण अच्छे नहीं, आपके पास आने का कारण अच्छा नहीं, मारने के लिए आई थी आपको और आपने उसको सदगति दे दी, क्यों? तो भगवान टेढ़ी सी नजर करके बोले स्तनम दत्वा सदगतिम। लोग अस्त्र शस्त्रों से मारते हैं, लेकिन पूतना का मारने का तरीका हमको बढ़िया लगा। बोले क्यों? बोले जिस प्रकार माँ अपने पयोधर का पान कराती है, बालक को वात्सल्य भाव जब उमारती है तब उसके पयोधर से दुग्ध आता है, इस प्रकार पूतना मुझे अपने पयोधर पर लपेट करके बैठी थी, तो जिस समय उसने अपना पयोधर मेरे मुख में दिया ना, तो मेरे मन में क्षण भर के लिए उसके प्रति मातृभाव आ गया, इसलिए मुझे लगा ये कुछ भी हो, इसके सारे दोष गुणों को छोड़ो, इसको सदगति दो। और यशोदा की गति प्रदान की, मातृगति भी नहीं, यशोदा की गति दी पूतना। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने करुणावंत हैं, कितने पवित्र हैं हृदय से। ऐसे परम पवित्र श्री राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री भरत जी महाराज समस्त अयोध्या वासियों के साथ में राम जी से मिलने के लिए और राज तिलक करके वापस अयोध्या लाने के लिए जा रहे हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाही सुमिरत रघुनाथा, सुनत जाही सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुर धाम, तीरथ मुनि आश्रम सुर धाम, निरखि निमज्जन करहि प्रणाम, सियाराम पद पदम सने सियाराम पद पदम सने, सियाराम पद पदम सने भरत जी महाराज भरद्वाज मुनि के आश्रम से अब आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने लगे। राम जी के गुणगानों को सुनते हुए और उन्हीं का स्मरण करते हुए जब भरद्वाज ऋषि ने बताया कि संकल्प लेते समय भरत खंडे सुनते ही राम जी के हाथ कांपने लगते थे, भरत
भरत जी अब सोच रहे हैं कि मैं इसका विषाद करूं कि इसकी प्रसन्नता करूं, मैं यहां पर अब दुखी मनाऊं कि मेरे राघव को कष्ट हो रहा है, कि मैं इस बात की प्रसन्नता रखूं कि मेरा नाम सुनते ही राम जी विकल हो जाते हैं। लेकिन श्री भरत जी महाराज बस अंतःकरण से श्री राघव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। और स्थिति यहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भैया मार्ग में जहां कहीं भी छोटे बड़े स्थान मंदिर या कुछ भी, जैसे ग्राम देवता भी यदि मिल जाते थे, किसी बट वृक्ष के नीचे कोई छोटे से ग्राम देवता हैं, दो चार लोग उन्हीं का पूजन करते हैं, वो भी यदि भरत जी को दिख जाते थे तो भरत जी उनको भी दंडवत प्रणाम करते और सबसे एक ही वरदान मांगते थे, क्या? सिया राम पद पदम सने हूं। हे देवता, हे ग्राम देवता, हे नगर देवता, हे तीर्थ देवता, हे वृक्ष देवता, बस इतनी कृपा करना कि सिया राम जी के चरणों में मेरा और स्नेह हो जाए, मेरी और रति हो जाए। कई बार अयोध्या के लोग चलते चलते किसी ग्राम देव को छोड़ भी देते, लेकिन भरत जी तब भी प्रणाम करने जाते। कोई रह ना जावे, कोई पवित्र नदी दिखती, कोई पवित्र स्थान दे, बस झूठे को कोई बोल दे कि यहां एक देव है, यहां एक पवित्र नदी है, भरत जी तुरंत कूद जाते और स्नान करके तुरंत उस स्थान से वरदान मांगते कि सिया राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो, ऐसी कृपा करना। कैसी स्थिति है बंधुओं भरत जी की। अभी जब भरत चरित्र विश्राम होगा ना, तुलसीदास जी के शब्द सुनिएगा भरत जी के लिए। सब जगह प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, मिले ही किरात कोल वनवासी, बेखानस बटु जति उदासी। रास्ते में कोल भील ग्रामवासी जो भी मिलते हैं सबको भरत जी महाराज खूब स्नेह देते हैं। और अकेले भरत जी नहीं, सब अयोध्या वासी, यदि कोई नहीं भी देता तो भरत जी पकड़ के लाते, बोले इसको प्रणाम कर, राम जी यहां से इससे मिलके गए हैं। इस प्रकार सब कोल भीलों से और सबको हृदय से लगा लगा करके भरत जी ने सबको प्रणाम किया। तभी राम सखा तेई समय दिखावा, शैल सरोमनि सहज सुहावा। आह, जासु समीप सरित पे तीरा, सिय समेत बसहीं दो वीरा। तभी मार्ग पर चलते हुए एक थोड़ा ऊंचा सा स्थान आया और निषाद राज गुह जाकर के उस पर चढ़, आगे आगे चल रहे थे निषाद। जैसे ही निषाद राज उस पर पहुंचे तभी उनको कामतानाथ पर्वत का दर्शन हुआ। श्री कामतानाथ भगवान की जय। चित्रकूट में विराजमान हमारे श्री गोवर्धन नाथ के बड़े भैया श्री कामतानाथ, हमारे वृंदावन